जो आप देख रहे हैं ये आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन की है, जहां केंद्रीय कारागार के कैदी दीपावली पर्व को लेकर मिठाइयां तैयार करने में जुटे हुए हैं। कैदियों द्वारा इस बार करीब 8 क्विंटल मिठाइयों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उप निरीक्षक केंद्रीय कारागार नाहन विनोद चंबियाल ने बताया कि मिठाइयों को तैयार करने के दौरान जहां सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, वहीं बाजार से सस्ते दामों पर मिठाई तैयार की जा रही है। ये मिठाइयां लोगों द्वारा खासी पसंद भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैदियों द्वारा तैयार की गई मिठाइयों को अधिक से अधिक मात्रा में बाजारों तक पहुंचाने के लिए जेल प्रबंधन सदैव प्रयासरत रहता है। दिवाली इज अ गुड अपॉर्चुनिटी वेयर पीपल बाय सो मेनी स्वीट्स, तो हम बहुत सारी स्वीट्स बना रहे हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और उनको जो हमारे स्टोर है, एक कार वॉशिंग स्टेशन है वहाँ पर हमारा एक आउटलेट है, एक हिमकारा स्टोर है जो नाहन टू शिमला रोड के ऊपर है, तो इन दोनों आउटलेट पे हमारे जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे ये दिवाली के लिए स्पेशल, ये अवेलेबल रहेंगे। और ये इनका जो प्राइस होगा वो मार्केट से काफ़ी नीचे होगा, और जो क्वालिटी है तो मुझे लगता है कि जो रेगुलर हैं यहाँ के तो दे आर क्वाइट कन्विंस विद दैट कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि लोगों को हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। विनोद चंबियाल ने बताया कि इस बार उत्पादों की बिक्री को लेकर जेल प्रबंधन द्वारा 2 बिक्री केंद्र खोले गए हैं, वहीं मिठाइयां बेचकर जो भी कमाई हो रही है उसका 40% हिस्सा कैदियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें दिया जाएगा। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो जैसे लोगों को पूजा से रिलेटेड कोई हम जैसे मंदिर बनाते हैं हमारा जो बड़े ही शाखा है, और जो भी उनका प्रोडक्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं जितना हम पब्लिक में रीच आउट कर पाएँ कितना उनका सेल होता है, और जो भी हमारा सेल होता है उसका 40% जो हमारा उसमें सेल होता है उसका वो इन द फॉर्म ऑफ बेजिस उन प्रिजनर को दिया जाता है। नाहन केंद्रीय कारागार में 47 प्रकार की मिठाइयां तैयार की जा रही है, जिसमें विशेष रूप से कलाकंद, मिल्क केक, खोया बर्फी, गुलाब जामुन सहित अनेक मिठाइयां शामिल है। मिठाइयों के साथ साथ बेकरी के आकर्षक गिफ्ट पैक भी तैयार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जेल प्रबंधन का ये सराहनीय कार्य कैदियों को आत्मनिर्भर। डीडी न्यूज के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।